तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। इसका नाम दबी स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किस देरी के। तो सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो मुंबई सीरीज की तरफ से। तो मुंबई सीरीज ने साइनिंग अनाउंस कर दिया अहमद जाहू का। तो अहमद जाहू जो कि 32 ईयर ओल्ड सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है, लास्ट सीजन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है अहमद जाहू, एंड 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अहमद जाहू ने मुंबई सीरीज के साथ, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी सही डिसीजन मुंबई सीरीज की तरफ से। क्योंकि अगर मुंबई सीरीज इस साल लीग टॉप करते या फिर फाइनल्स में जाके जीतते तो उनको एफसी चैंपियंस लीग या फिर एफसी कप में खेलने का मौका मिलेगा, एंड वो ये टीम को पकड़ के रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली काफी बढ़िया साइनिंग मैं बोलूंगा मुंबई सीरीज की तरफ से, एंड देखने लायक हो कि मुंबई सीरीज का ओके अहमद जाहू का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो भी आ रहा है मुंबई सीरीज की ही तरफ से। तो मुंबई सीरीज ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया है फुड़बा लालचंपा का। तो फुड़बा लालचंपा जो कि 22 ईयर ओल्ड गोलकीपर, उनका लास्ट क्लब है रियल कश्मीर, एंड उन रियल कश्मीर का उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा यंग एंड टैलेंटेड गोलकीपर है फुड़बा लालचंपा, एंड उससे पहले उन्होंने शिलोंग लाजंग में खेला है। तो डेफिनेटली अच्छे खासे प्लेयर है, अच्छा खासा टैलेंट है फुड़बा लालचंपा के पास, एंड उनको शायद उतना मौका ना दिया जाए मुंबई सीरीज में, बट उनको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा मुंबई सीरीज में रह के। सो डेफिनेटली एक अच्छा साइनिंग है मुंबई सीरीज के लिए, एंड फुड़बा लालचंपा के लिए भी एक अच्छा डिसीजन कि वो मुंबई सीरीज में जाए, एंड वहाँ पर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो देखते हैं फुड़बा लालचंपा का परफॉर्मेंस मुंबई सीरीज का कैसा रहता है, शायद उनको एक दो मैच में मौका दिया जाए। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है वो भी आ रहा है मुंबई सीरीज के ही तरफ से। तो मुंबई सीरीज ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया मेहताब सिंह का। तो मेहताब सिंह जो कि एक 22 ईयर ओल्ड सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा यंग एंड टैलेंटेड सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है मेहताब सिंह, बहुत ज्यादा टैलेंट है उनके पास, एंड अगर प्रॉपरली मेहताब सिंह को यूटिलाइज कर पाए मुंबई सीरीज तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि आई लीग में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था ईस्ट बंगाल का होके, एंड 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मेहताब सिंह ने मुंबई सीरीज के साथ, एंड देखने लायक हो कि उनको कितना मौका दिया जाता है। मैं चाहता हूँ उनको मौका मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है मेहताब सिंह, एंड इंडिया के फ्यूचर है मेहताब सिंह। तो डेफिनेटली देखने लायक हो कि मुंबई सीरीज का ओके मेहताब सिंह का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है केरला ब्लास्टर्स की तरफ से। तो केरला ब्लास्टर्स ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया जॉर्डन मरी का। तो जॉर्डन मरी जो कि 25 ईयर ओल्ड सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है, इनका लास्ट क्लब था सेंट्रल कोस्ट, एंड लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस अच्छा था, एंड डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बढ़िया साइनिंग केरला बशेफी की तरफ से। क्योंकि काफ़ी यंग सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर मिल चुके हैं केरला बशेफी को, एंड यंग प्लेयर्स का जो एडवांटेज होता है वो अपना 100% दे सकते हैं, वो 90 मिनट खेलने के लिए फिट होते हैं। सो डेफिनेटली अच्छा साइनिंग है ये केरला बशेफी के लिए। अब देखने लायक हुआ कि इस साल केरला बशेफी के जॉर्डन मरी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आईएसएल को लेके। सो आज एक फ्रेंडली मैच केरला ब्लास्टर्स एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी का, एंड ये मैच कब होगा पता नहीं है, आज होगा इतना बस पता है, एंड ये मेनली सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही खेलेंगे इस मैच में, एंड यहाँ ये कोई लाइव स्ट्रीम होगा यानी उसका भी कोई डिटेल सामने निकल के नहीं आया, बट शायद रिजल्ट कल सामने निकल के आ जाए, एंड मैं अपने वीडियो में कवर कर लूँगा। सो हाँ, फर्स्ट फ्रेंडली मैच केरला बस एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी आज है। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। तो एफसी गोवा ने अपना 30-मैन स्क्वाड रजिस्टर कर लिया है, एंड उस 30-मैन स्क्वाड में रोमियो फर्नांडिस नहीं है इसी वजह से, क्योंकि अभी का जो कोविड का जो सिचुएशन है वो प्रोटोकॉल्स बहुत झमेला है, एंड इसी के वजह से रोमियो फर्नांडिस एफसी गोवा के स्क्वाड में ज्वाइन नहीं हो पाए। अब रोमियो फर्नांडिस सीधा जनवरी से पहले ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, जनवरी में जब ट्रांसफर विंडो फिर से खुलेगा तब रोमियो फर्नांडिस आ सकते एफसी गोवा में, बट अभी तो वो एफसी गोवा में नहीं आएंगे। ईस्ट बंगाल इंटरेस्टेड है रोमियो फर्नांडिस के ऊपर, अब देखते ईस्ट बंगाल में रोमियो फर्नांडिस जाते या नहीं, एंड रोमियो फर्नांडिस के पोजिशन में ऑलरेडी ईशान पंडिता है, एंड जोआन फर्नांडो खुद भी चाहते हैं कि वो ईशान पंडिता को फर्स्ट 11 में रखे, क्योंकि ईशान पंडिता एफसी चैंपियंस लीग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एफसी गोवा का ओके, क्योंकि एफसी चैंपियंस लीग में आप 4 ही फॉरेनर्स खिला सकते हो, उसमें से एक ईशान कोटा का होना जरूरी है। तो ईशान पंडिता का रोल एफसी चैंपियंस लीग में काफ़ी बड़ा रहेगा, एंड इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोमियो फर्नांडिस के ऊपर एफसी गोवा का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। बट डेफिनेटली टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया जहाँ पे एफसी गोवा चाहते हैं रोमियो फर्नांडिस के अपने स्क्वाड में वापस लाना, अब देखते हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या होता है। सो नेक्स्ट इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में आज अजाक्स, तो अजाक्स ने कल डच लीग में वीवीवी ये टीम का नाम है उसको 13-0 से हराया जिया, 13-0 ये वन ऑफ द बिगेस्ट विन है डच लीग के हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा गोल करने वाला मैच था ये, एंड डेफिनेटली बहुत ही बड़ा मैच था, 13-0 से हराया अजाक्स ने वीवीवी को, इसी वजह से मैंने ये कवर किया, सोचा कि आप लोग को ये बता देता हूँ।
सर नेक्स्ट इज अरे बारे लालीगा को लेके। सो लालीगा में कल मैच था बार्सिलोना वर्सेस रियल मद्रिद, द क्लासिक एल क्लासिको, एंड बहुत ही एक बढ़िया मैच था। बार्सिलोना ये मैच 1-3 से हार जाते, रियल मद्रिद ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। सर्जियो रैमोस ने काफ़ी बढ़िया डिफेंस किया एंड अटैक में भी उतना ही ज़्यादा सपोर्ट दिया है। बार्सिलोना की तरफ से अंसू फैटी का जो परफॉर्मेंस है वो देखने लायक था, एंड इतना यंग एंड टैलेंटेड प्लेयर है अंसू फैटी, डेफिनेटली स्पेन के लिए काफ़ी एक मतलब फ्यूचर में काफ़ी एक यूजफुल प्लेयर होंगे स्पेन के नेशनल टीम के लिए। एंड ओवरऑल मैच काफी बढ़िया था एंड रियल मैड्रिड 3-1 से मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट जा रहा है प्रीमियर लीग को लेकर। तो आज का जो मैच है वो आर्सेनल वर्सेस लेस्टर सिटी, एक और काफी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीम के लिए। एंड इस मैच में कहीं ना कहीं लेस्टर सिटी थोड़ा सा आगे, बट आर्सेनल का रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी एक्साइटेड हूं मैं इस मैच के लिए, एंड काफी एक बढ़िया मैच होने की उम्मीद में है। सो देखते हैं ये मैच कौन जीतता है। मुझे लगता है लेस्टर सिटी ये मैच 2-1 से जीत जाएगा। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट इज अरे आईपीएल को लेकर। सो आईपीएल में कल मैच था केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, एंड केकेआर फाइनली ये मैच जीत जाते, एंड काफी वन साइडेड ही मैच था एक टाइम के बाद। एंड केकेआर का रोल बॉलिंग का बात कर दो, वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का बॉलिंग किया है, मतलब 5 विकेट, एंड पैट कमिंस ने भी कल बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। एंड अगर लोग बात करें दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग का, तो दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग में श्रेयस अय्यर ने टू सम एक्सटेंड अच्छा बैटिंग किया है। एंड अगर लोग केकेआर का बैटिंग का बात करें तो रितेश राणा एंड सुनील लड़िन, जो दो प्लेयर्स बैटिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन दोनों ही प्लेयर्स ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। एंड अगर हम लोग बॉलिंग का बात करें तो कगिसो रबादा ने काफी बढ़िया बॉलिंग किया है। सो नेक्स्ट जो दूसरा जो मैच था कल का वो था किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, एंड व्हाट अ मैच। मतलब किंग्स इलेवन पंजाब वो मैच हार चुकी थी उस पोजीशन से, किंग्स इलेवन पंजाब वो मैच 12 रन से जीत जाती है, ऑल आउट कर दिया था सनराइजर्स हैदराबाद को। अगर हम लोग किंग्स इलेवन पंजाब का बॉलिंग का बात करें तो ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स ने अच्छा बॉलिंग किया है, बट हाँ क्रिस जॉर्डन ने काफी बढ़िया बॉलिंग किया, रवि बिश्नोई ने काफी बढ़िया बॉलिंग किया है, अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया। सो डेफिनेटली ओवरऑल सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। कल शमी थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव थे, बट ओके हर मैच में वो अगर एक ही बॉलर परफॉर्म करेंगे तो वैसा उम्मीद करना भी एक्सपेक्ट करना भी गलत होता है। अगर हम लोग बात करें कि किंग्स इलेवन पंजाब का बैटिंग का, तो किंग्स इलेवन पंजाब के बैटिंग में दोनों ही साइड के बैटिंग में एक्चुअली किसी ने बहुत अच्छा बैटिंग नहीं किया है। किंग्स इलेवन पंजाब की बैटिंग में टू सम एक्सटेंट निकोलस पूरन ने अच्छा बैटिंग किया है। एंड अगर हम लोग सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग का बात करें तो डेविड वार्नर ने काफी बढ़िया बैटिंग किया है। सो यही था ओवरऑल मैच, एंड किंग्स इलेवन पंजाब ने कमाल का जीत हासिल किया है। एंड किंग्स इलेवन पंजाब का नेक्स्ट मैच है केकेआर के खिलाफ, जो कि डिसाइडिंग मैच होगा दोनों ही टीम के लिए। तो आज का जो मैच है वो आरसीबी वर्सेस सीएसके, ज़्यादातर लोगों को लग सकता है वन साइडेड मैच होगा, जो कि शायद हो भी सकता है क्योंकि सीएसके का रिसेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब सीएसके अपने प्राइड के लिए खेल सकते हैं कि हाँ मुझे जीतना है, बट डेफिनेटली आरसीबी को हराना इस सीजन में उतना इजी नहीं होगा। आरसीबी का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है एंड टफ तो होगा सीएसके के लिए। अब देखते हैं ये मैच कौन जीता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है, ये मुझे नहीं सबको लगता है, कि आरसीबी एक काफी बड़ा अपर हैंड रखते हैं सीएसके के ऊपर। अब देखते हैं ये मैच का रिजल्ट क्या होता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का जो दूसरा मैच है वो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, एक और इंपॉर्टेंट मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को अगर प्लेऑफ में जाना है, जितना थोड़ा सा चांसेस है अभी भी राजस्थान रॉयल्स के पास, उसके लिए राजस्थान रॉयल्स को हर एक मैच जीतना पड़ेगा। एंड मुंबई इंडियंस इज नॉट अ इजी ओपोनेंट, तो मुंबई इंडियंस को हराना ही पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स को अगर वो अपना प्लेऑफ का जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट मैच है राजस्थान रॉयल्स के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए ये एक अच्छा मैच होने वाला है। मुंबई इंडियंस के लिए भी मुझे लगता है नए प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा मुंबई इंडियंस में। अब देखते क्या होता है, कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस एक अपर हैंड रखते इस मैच में, बट राजस्थान रॉयल्स पर 100% दे देगी इस मैच में। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा, एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।